हमारे हरियाणा में आके रैली कर मैं करूंगा वहाँ, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि भाई आ गया मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। उपेंद्र हुड्डा से मेरा कोई मतभेद नहीं, मेरा मतभेद इस बात से था कि आपको भी पता है कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया गया था। मैं जाने का 10 दिन पहले कह दिया था वो डेट देंगे। बातें दो हैं, अगर 2-3 लाख आदमियों से ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली कर मैं करूंगा वहाँ, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। कंडीशन नहीं है ये, मेरे ऑप्शन है ये। मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते तो, और नहीं तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि भाई आ गया मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके दिल्ली में, उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। को ये बताऊं कि 10 साल के मेरे जो बीजेपी का कार्य था, मैंने कभी भी हमारे जो नेता, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी थी, और चाहे दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता थे, मैंने जो एक सभ्य राजनीति होती है उस स्तर को बना के रखा, कभी घटिया बात अपने नेताओं के बारे में नहीं की। और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं भाजपा छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा तो भाजपा के नेताओं का भी वही सम्मान है। ये राजनीति नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाओ तो पहले को गालियां पकना शुरू कर दो। इसी राजनीतिक सोच के कारण प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि भाई ये राजनीतिक लोग तो आज कहीं है कल कहीं है, पहले जिस पार्टी में जाते हैं दूसरी को गालियां देते हैं। इस प्रथा को प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को नुकसान होता है। आप विचारधारा की बात में बात करो, आप कार्यक्रम की बात करो, आप अपनी सोच की बात करो। भाजपा में तो एक और मुसीबत भी है ना, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कहते हैं सारे कार्यकर्ता बराबर। मैंने कहा भाई 52 साल लगाए राजनीति में, मेरे साथी हजारों हैं, मैं अपने आप को कार्यकर्ता तो समझूं, लेकिन ये ना समझो कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।